मछली पालन एक बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है आत्मनिर्भर बनने के लिए। जो नए मछली पालन से जुड़ना चाहते हैं जो किसान, उनके लिए सबसे पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के उपरांत ही जो है वो मछली पालन सही तरीके से कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से हमारे मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में सालों भर मछली के विभिन्न विभिन्न आयामों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। अभी जो फिलहाल मत्स्य बीज उत्पादकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर के मत्स्य पालक भाग ले रहे हैं, और जो इच्छुक हैं, जो मछली पालन को अपने स्वरोजगार के अवसर को अपनाना चाहते हैं, वो यहाँ आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 5 दिवसीय मछली पालन का बेसिक ट्रेनिंग जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 5 दिनों के दौरान तालाब कैसे बनाते हैं, कौन सी मछली प्रजातियों का संचयन किया जाता है, मछलियों को संचयन करने के उपरांत क्या क्या ध्यान देने की आवश्यकता है, मछली का आहार कौन कौन से होते हैं, उनको खाना कैसे दिया जाता है। इसके साथ साथ मछली पालन के साथ साथ समन्वित मछली पालन के क्षेत्र में भी जानकारी दी जाती है। साथ साथ मछलियों में होने वाली बीमारियां, अकस्मात में क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, इन सब के बारे में भी जानकारी जाती है। प्रशिक्षण के बाद मत्स्य पालकों को सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है। झारखंड सरकार के द्वारा मत्स्य विभाग में तालाब निर्माण की योजनाएं चालू हैं। साथ साथ इसके साथ ही हमारे मत्स्य पालकों को फीड वेस्ट फिशरीज, अगर तालाब बना लिए हों तो वैसे मत्स्य पालक जो मछलियों को भोजन देना चाहते हैं उस आहार के लिए भी सरकार की तरफ से 50% अनुदान है। जो झाज को फीड खरीदना चाहते हैं उस पर 50% का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्पॉन का वितरण है, जाल का वितरण है, नाव का है। अगर कोई मछली पालक बढ़िया मत्स्य उत्पादन कर रहा है, बीज उत्पादन कर रहा है, तो उसके लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और इन सब योजनाओं का उद्देश्य यही है कि हमारे किसान अधिक से अधिक मछली उत्पादन करें और राज्य के विकास में अपना अहम योगदान दें। और इसके साथ ही जो है हमारे यहाँ वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित की गई है, जिसमें करीब 33-37 योजनाएं संचालित हैं, जिसमें साइकिल और आइस बॉक्स से लेकर फीड मिल तक योजनाएं हैं, जिसमें महिलाओं ST/SC के लाभार्थियों को 60% अनुदान दिया जाता है और अन्य लोगों के लिए जो है 40% का अनुदान इसमें निर्धारित है। तो ये योजना करीब 3 वर्ष पूर्व संचालित हुई थी और ये आगे वर्ष 2024-25 तक ये चालू रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी कैसे की जाती है। तालाब जो प्रशिक्षण में है जो बताया जाता है कि तालाब को कैसे तैयार करना है। सदाबहार तालाब की तैयारी अलग होती है, मौसमी तालाबों की तैयारी अलग होती है। तालाबों का जो है हमारे पास जो झारखंड में है करीब 80% जो तालाब है वो हमारे मौसमी तालाब है और 20% हमारे पास जो है वो सदाबहार तालाब है। तो मौसमी तालाबों का जो तैयारी अलग होती है, उसमें हम बीज उत्पादन करते हैं और बीज जब तैयार हो जाता है तो फिर हम उसको सदाबहार तालाबों में हम संचयन करते हैं, जिसके लिए हम पहले जो है तालाब को जुताई करते हैं। जुताई करने के उपरांत हम चूना का छिड़काव करते हैं, 200 kg प्रति एकड़ की दर से हम चूना देते हैं। चूना डालने के बाद जब उसमें पानी जमा हो जाता है तो फिर हम उसमें फर्टिलाइजर भी उपयोग करते हैं, जैसे गोबर का खाद हो गया, पोल्ट्री का खाद है, या और भी जो दूसरे खाद है जैसे महुआ खल्ली का है या सरसों खल्ली, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। खाद देने के उपरांत जो है हम उसमें बीज का संचयन फिर करते हैं। बीज संचयन करने के बाद जो है हम मछलियों को भोजन भी कराते हैं ताकि उनका ग्रोथ जो है उनका वृद्धि बहुत तेज हो और कम समय में हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। तो इस तरह से हम उनको तालाब की तैयारी के बारे में बताते हैं और योजना के बारे में बताते हैं। और जहाँ तक मछली पालन की बात है, मछली पालन के साथ साथ हम जो है उनको एयर ब्रीदिंग फिश, जैसे पंगास की खेती कैसे होती है, मांगुर के मछली की खेती कैसे होती है, झींगा पालन जो है एक बहुत ही नया सेक्टर है, इसमें बहुत सारे लोग रुचि ले रहे हैं। झींगा पालन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, झींगा पालन कैसे करें, इसके बारे में भी हम उसको उनको बताते हैं।
ये सब सारी योजनाएं जो है मछली पालन के से है। और बीज जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला मत्स्य कार्यालय में वहाँ के माध्यम से पता चल सकता है, या फिर हमारे प्रखंड स्तर पर बहुत सारे ऐसे मत्स्य बीज उत्पादक है, मत्स्य मित्र है, जो आपको बीज उपलब्ध करा दे सकते हैं।